Hello, welcome to Sumo Biology. The question is, choose the correct answer from the alternatives given. What would be the base sequence of RNA transcript? RNA जो बना, उसकी क्या base sequence होगी? तो देखिए, coding strand, आप सीधी सी बात ये याद में रखिएगा, coding strand की जो polarity है और coding strand की जो nucleotide की sequence है, same नकल हो जाएगी RNA के strand पे. फर्क केवल इतना है, जहाँ जहाँ थाइमीन है वहाँ वहाँ यूरेसिल होगा, सेम. इसीलिए इसको कोडिंग स्टैंड बोलते हैं. हालांकि जो इसका दूसरा स्टैंड है, जिसको नॉन कोडिंग स्टैंड बोल रहे हैं, वो टेम्पलेट स्टैंड है. इसी पे सिंथेसिस हो रही है आरएनए की. सिंथेसिस इस पे हो रही है, इस पे कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन इसको कोडिंग स्टैंड हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसी की जो कोड है या जो सीक्वेंस है वो उस पर छप जाएगी आरएनए पे, सेम. इसलिए इसको कोडिंग स्टैंड बोलते हैं. तो बिल्कुल आप इसी की नकल बना दीजिए, 5GCAUU. देखिए, जहाँ जहाँ टी था वहाँ UU आ जाएगा, थाइमिन की जगह यूरेसिल, क्योंकि डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है. बिल्कुल वही सीक्वेंस आप कॉपी कर दीजिए और पोलैरिटी भी सेम रहेगी, फिफ्थ प्राइम एंड टू थर्ड प्राइम एंड, फिफ्थ प्राइम एंड टू थर्ड प्राइम एंड. ठीक है, तो ये अगर कॉन्सेप्ट आप बना के जाएंगे तो वहाँ पे आपको, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको लिखेंगे, इसके अपोजिट आप अरेंज करवाएंगे कि इसके अपोजिट ये थर्ड प्राइम एंड है तो आरएनए फिफ्थ प्राइम एंड है. सी जी जी सी टी ए, ये देखिए यही बनता चला जा रहा, ए यू. उसमें आपका समय लगेगा. और अगर आप पहले से ही ये कॉन्सेप्ट बना के गए हो, आप पहले से ही ये चीज़ समझ के गए हो कि जो आरएनए बनेगा उस आरएनए की सीक्वेंस कोडिंग स्ट्रैंड के डीएनए की सीक्वेंस होगी, बिल्कुल वही उसकी कार्बन कॉपी है ये. फर्क केवल इतना है कि जहाँ जहाँ थाइमिन वहाँ वहाँ यूरेसिल. तो आपका समय बचेगा और आप फटाक से आंसर दे आओगे. तो ये बिल्कुल साफ साफ आपकी बुक NCERT पेज नंबर 108 क्लास 12 बायोलॉजी में लिखा है. ओके जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो. वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ. आपके आने वाले नीट के लिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको मिलते रहें, ट्रिकी क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वो ज़रूर आप किसी तरह से लगा के जाइए. जो सीधे साधे स्ट्रेट लाइनर है, रटने वाले क्वेश्चन है, वो तो उसके लिए तो बेटा कम से कम 200 दुकानें खुली हुई हैं जो आपको दिन रात बिठा के रटा रही हैं कि यहाँ से पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये रट लो. मिलता हूँ ब्रेक के बाद. गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू.